ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में अब बात करेंगे स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की। हरियाणा के एक साहसी, मेहनती और ईमानदार छवि के नेता, एक ऐसे नेता जिसने राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी हमेशा साधारण लोगों की तरह व्यवहार किया। दया की भावना रखने और हमेशा गरीबों की सहायता करने में विश्वास रखने वाली शख्सियत थे चौधरी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे थे। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्म 15 नवंबर 1946 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ। उनका बचपन गांव में ही बीता। वो आधुनिक हरियाणा के निर्माता और विकास पुरुष माने जाने वाले नेता चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे हैं। सुरेंद्र सिंह ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई जुई गांव के स्कूल से पास की। वैश्य कॉलेज भिवानी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से वकालत की और LLB बन गए। बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MA की शिक्षा भी हासिल की। सुरेंद्र सिंह का विवाह सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी आत्माराम चौधरी की सुपुत्री किरण चौधरी के साथ हुआ। 3 अक्टूबर 1975 को सुरेंद्र सिंह के घर पुत्री श्रुति का जन्म हुआ, जो उनकी इकलौती संतान है। अपने मिलनसार और अच्छे स्वभाव के चलते सुरेंद्र सिंह जल्द ही युवा वर्ग में लोकप्रिय हो गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुरेंद्र सिंह कॉलेज के समय से ही क्रिकेट के बेहद शौकीन थे, जो उनके सांसद बनने के बाद तक जारी रहा। आज भी हर साल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उनकी याद में एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन कर उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा के विकास पुरुष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र होने के नाते बचपन से ही सुरेंद्र सिंह की राजनीति में गहरी रुचि थी। यूं तो चौधरी सुरेंद्र सिंह राजनीतिक घराने से थे, लेकिन उनका राजनीतिक गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता चौधरी बंसीलाल थे। भिवानी के इस सपूत ने पूरे हरियाणा राज्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ये छाप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ज्यों-ज्यों सुरेंद्र सिंह बड़े होते गए, त्यों-त्यों उनके पिता चौधरी बंसीलाल प्रगति के नए आयामों को छूते चले गए। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। भिवानी जिले में जो भी विकास हुआ उसमें सुरेंद्र सिंह का अहम योगदान था। सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश के विकास कार्यों में नए आयाम स्थापित किए। सुरेंद्र सिंह ने साल 1971 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पहले वे जिला स्तर की कांग्रेस कमेटी में रहे और बाद में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस में पद संभाला। साल 1977 के विधानसभा चुनाव के वक्त नजदीकी लोगों ने चौधरी बंसीलाल को सुरेंद्र सिंह को चुनाव न लड़ाने की राय दी थी, लेकिन अपने बेटे के प्रति अटूट विश्वास के चलते चौधरी बंसीलाल ने सुरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में बंसीलाल के विश्वास की जीत हुई और सुरेंद्र सिंह विधायक बने। व्यवसाय से वकील सुरेंद्र सिंह 4 जनवरी 1976 से 6 जून 1982 तक पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह साल 1977 से 1986 तक विधायक, साल 1982 से 1983 तक कृषि मंत्री के पद पर, साल 1986 में राज्यसभा सदस्य, साल 1996 में लोकसभा सांसद और साल 2005 में फिर से विधायक बने और प्रदेश सरकार में कृषि और राजस्व मंत्री के पद पर रहे। सुरेंद्र सिंह हमेशा भिवानी जिले को अपनी कर्मभूमि मानते थे। मंत्री के रूप में भिवानी जिले में पहले आगमन पर 14 मार्च 2005 को प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि हर गांव में सिंचाई और पीने के पानी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। 28 मार्च 2005 को सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा के कृषि और राजस्व मंत्री के रूप में हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के उपकुलपति को दिशा निर्देश दिए कि वो किसानों के हित में काम करें। भाई चांसलर साहब, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आज पानी से तो किसान पैदा कर सकता है, हमें जो दूसरी जरूरत है वो है ड्राई फार्मिंग की। हरियाणा में
ड्राई फार्मिंग। इस इलाके में एक एक हजार फुट नीचे पानी चला गया, कुएं आंधे हो गए। मैं कई गांव में जाऊं ना तो पीली मशीन बोलते हैं, ड्रिलिंग मशीन, वो 200-200 नहीं, एक एक हजार फुट नीचे बोर करते, दो दो तीन तीन लाख रुपए जमींदार चंदा करके गांव में एक मशीन लाते हैं। हजार फुट पे भी पानी खराब निकलता है तो मरना हो जाता है किसान का। मुझे वो जवाब चाहिए आपसे, उस खेती को ठीक कर दो आप। वीसी साहब से मैं एक और प्रार्थना करूंगा, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं विश्वविद्यालय में खर्चे की। मैं कोशिश करूंगा कि विश्वविद्यालय में किसी किस्म की कमी ना रहे। और जिस तरह की आज ये तकनीकी और दूसरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ जो कृषि के क्षेत्र में आती है वो ये देते रहे। ग्रामीण पृष्ठभूमि और एक किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से वो किसानों और मजदूरों की पीड़ा, उनकी समस्याओं को भली भांति समझते थे। खेती बाड़ी और किसानों से उन्हें विशेष लगाव था। बतौर राजस्व और कृषि मंत्री उनकी कलम से निकला अंतिम आदेश भी किसानों के ही हित का था। उन्होंने जनता को आखिरी तोहफा राजस्व रिकॉर्ड में कंप्यूटर से निकाली गई प्रतियों को वैध माने जाने के आदेश के रूप में दिया। मंत्री के रूप में जरूरी फैसले लेते हुए सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा के लोगों में एक आशा पैदा की, जिससे लोगों को ये विश्वास हो गया कि आने वाले पाँच सालों में उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 31 मार्च 2005 यानी आज ही के दिन, उस वक्त पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई जब चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त सहारनपुर के गंगोह गांव में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हरियाणा की राजनीति का चमकता सितारा इस तरह से लुप्त हो जाएगा। ये दुखद खबर सुनते ही उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए देश और प्रदेश के वरिष्ठ नेता उनके निवास पर पहुंचने लगे। लाखों की ये भीड़ और आंखों से टपकते आंसू इस बात का प्रमाण है कि सुरेंद्र सिंह जनता के प्रति बेहद लोकप्रिय थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर एवन तहलका की ओर से उन्हें शत